हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है। इसमें आपको स्टाइपेंड 31,000 प्लस HRA पर मंथ मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, हर एक पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके, और वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली IIRS देहरादून यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून की तरफ से आया है, जो इसरो का ही एक यूनिट है। इसमें रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड रिसर्च वर्क और कोर्सेज वगैरह इसमें होती है। IIRS एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, इनमें से एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कौन सी पोस्ट निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, ये एक टेम्पोरारी जॉब है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इनमें से जूनियर रिसर्च फेलोशिप का पोस्ट निकल के आया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 निकल के आया है। तो बात कर लेते हैं डिटेल्स पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है JRF 66 पोस्ट के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इकोलॉजी, बोटानी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये सब में से MSc करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग रिमोट सेंसिंग GIS में से MEMTech करके रखे हो या तो MSc करके रखे हो तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में प्लैंक टैक्सोनॉमी पे नॉलेज मांग लिया गया है, और उसके साथ अगर आपके पास RS और GIS एप्लीकेशन पे नॉलेज है तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ इंग्लिश पे गुड राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोग के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है JRF 67 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग रिमोट सेंसिंग, GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सब में से MEMTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, ये सब में से MSc करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग और GIS में से BBTech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सिग्नल प्रोसेसिंग, GNSS सिग्नल, अर्थ ऑब्जर्वेशन रडार, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, SAR, ये सब में नॉलेज मांग लिया गया है। उसके साथ आपका इंग्लिश में गुड राइटिंग स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है JRF 68 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, बोटानी में MSc करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग रिमोट सेंसिंग एंड GIS, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब में से MEMTech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रिमोट सेंसिंग और GIS में नॉलेज मांग लिया गया है, और उसके साथ इंग्लिश पे गुड राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है JRF 69 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग फिजिक्स, एटमोस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS में से MEMTech या तो MSc करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एटमोस्फेरिक साइंस में से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांग लिया गया है। उसके साथ आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड लिनक्स में गुड नॉलेज होनी चाहिए, और उसके अलावा फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश में गुड राइटिंग स्किल इसके साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है JRF 70 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 1 निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग बोटानी, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस, ये सब में से MSc करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग अप्लाइड बोटानी, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग एंड GIS में से MTech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रिमोट सेंसिंग एंड GIS पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांग लिया गया है, और उसके साथ आपका इंग्लिश में गुड राइटिंग स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है JRF 71 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 1 निकल के आया है।
एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एटमोस्फेरिक साइंस ये सब में से एमएससी करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एटमोस्फेरिक साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ये सब में से एमईएमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, उसके साथ आपका स्पेशल डेटा, डेटा एसिमुलेशन ये सब में आपका वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ आपका इंग्लिश पे गुड राइटिंग स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है जीआरएफ 72 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग या तो प्लानिंग में से बीबीटेक करने के बाद अगर आप लोग रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स में से एमईएमटेक या तो एमएससी करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग साइंस में से ग्रेजुएशन करने के बाद जियोग्राफी में से एमएससी करके रखे हो और उसके साथ फ्रेंड्स अगर आप लोग जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग में से एमईएमटेक या तो एमएससी करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल जैसे कि पाइथन, मैटलैब में अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ आपका इंग्लिश पे गुड राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है जीआरएफ 73 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सॉइल साइंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज ये सब में से एमएससी करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपका रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स में से अगर आप लोग एमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पे वर्किंग नॉलेज मांग लिया गया है। उसके साथ आपका इंग्लिश पे गुड राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है जीआरएफ 74 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एटमोस्फेरिक साइंस और मेट्रोलॉजी में से एमएससी करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग एटमोस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में से एमईएमटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मैटलैब, फोटॉन, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन और लिनक्स पे आपका वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ आपका इंग्लिश पे गुड राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है जीआरएफ 75 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, एटमोस्फेरिक साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी में से एमएससी करके रखे हो तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में से एमईएमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में हाइड्रोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, ऑप्टिकल और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, डेटा प्रोसेसिंग ये सब में आपका वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ आपका इंग्लिश पे गुड राइटिंग स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है जीआरएफ 76 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दो निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और एप्लाइड जियोलॉजी में से एमईएमटेक या तो एमएससी करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में से एमईएमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांग लिया गया है। उसके साथ आपका मैटलैब, पाइथन प्रोग्रामिंग में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और उसके अलावा आपका इंग्लिश पे गुड राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए आपका बीबीटेक में मिनिमम 65% यानी कि सीजीपीए आपका 6.84 होनी चाहिए। अगर आप लोग एमएससी कैंडिडेट हो तो उस केस में आपका एमएससी में मिनिमम 65% और सीजीपीए 6.84 होनी चाहिए। अगर आप लोग एमटेक कैंडिडेट हो तो उस केस में आपका एमटेक में मिनिमम 60% यानी कि आपका सीजीपीए 6.5 होनी चाहिए। और उसके साथ आप लोगों को कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम जैसे कि आपका नेट, गेट, आईआईआरएस, जेईटी इसी तरीके का कोई भी एक एग्जाम आपको क्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहीं पे जीआरएफ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 इयर्स रखा गया है। अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टाइपेंड 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है और आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा आईआईआरएस देहरादून पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉक इन इंटरव्यू डेट और टाइमिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, जीआरएफ 66, जीआरएफ 68, 70 और 71 पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है 22nd अक्टूबर 2021
JRF-67 पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है 25th और 26th अक्टूबर 2021। JRF-69 और 74 पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है 27th अक्टूबर 2021। JRF-72 और JRF-73 पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है 28th अक्टूबर 2021। और JRF-76 एंड JRF-75 पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है 29th अक्टूबर 2021। और फ्रेंड्स, वॉकिंग इंटरव्यू के लिए रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है 8:30 AM। और वॉकिंग इंटरव्यू का वेन्यू का डिटेल्स इसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन करने के लिए आपको IIRS वेबसाइट में जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। और फिलअप करने के बाद उसके साथ आपका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है, उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके साथ आपको कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और अटैच करने के बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके इंटरव्यू देने के लिए जाना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका इन डिटेल्स इसमें मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स और वीडियो का डिटेल्स। नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपका कुछ डाउट्स या तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।